हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आपको जैसे कि पता है, हमारा जो लेटेस्ट पैटर्न है क्लास 12 का, उसमें टर्म वन जो होगा वो एमसीक्यू बेस्ड होगा। ठीक है, तो अगर एमसीक्यू बेस्ड होगा तो सीधी सी बात है, आपको ये भी बताया गया, ऐसा नहीं कि कोई चीज हवा में है, साफ में ये भी बताया गया कि किस तरीके से होगा। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, वीडियो को पूरा देखना, एंड में मैं कुछ चीजें भी आपको बताऊंगा, उन चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जैसे क्या है, आपको ये बताया गया कि आपको एक ओएमआर शीट दी जाएगी पेपर में। अब उसमें जो भी इंस्ट्रक्शन होंगी, लेकिन हमें पता है ओएमआर शीट कैसी होती है और उसमें क्या इंस्ट्रक्शन होते हैं, हमें सब पता है, तो वो आपको दी जाएगी। अब ये बात अलग है कि आपका जो पेपर होगा वो अभी सस्पेंस में। सस्पेंस कैसा? अगर कोविड केस जैसे कम हो रहा है, कम होता रहा, और आपके स्कूल में स्कूल चलने लगे, तो सीधी सी बात है, फिर सेंटर बनेंगे, सेंटर बनेंगे और वहां पे आपका टेस्ट होगा, और फिर आपको वहीं पे पेपर देना होगा, वहीं पेपर देना होगा। और जो आप फिल करोगे इसको, जो ये फिल कैसे करते हैं वो बताता हूँ। तो ये पेपर जो है वो आपको सीबीएसई, फिर भेज आपके जो जहाँ भी सेंटर पे जाएगा वहां से वो सीबीएसई को चला जाएगा, फिर वहां पे चेक हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर मान लो कोविड की सिचुएशन सही नहीं होती है, तो क्या केस बताया था कि आपके स्कूल पे भी हो सकता है, स्कूल में हो जाएगा तो आपके होम सेंटर समझ लो, तो आपके स्कूल वाले सीबीएसई को भेज देंगे। तीसरा केस ये है कि अगर मान लो कोविड सिचुएशन ऐसी भी नहीं है कि आप अपने स्कूल में भी देने जा पाओ, तो आपके घर में आपको डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन भेज दिए जाएंगे। और ओएमआर शीट अब कैसे वो भेजेंगे, ठीक है, डिजिटली होगा, कैसे क्या होगा, तो वो चीजें हैं सस्पेंस में। लेकिन आप ये मानो कि हाँ, अगर पेपर होते हैं तो एक ओएमआर शीट में पेपर देना होगा। अच्छा, ओएमआर शीट कैसी दिखती है? इस तरीके से दिखती है, आप देख लो। ठीक है, हालांकि आपकी जो जितो एक सैंपल है, आपका मैथ्स का पेपर होगा तो आपका सिर्फ मैथ्स का होगा उसमें। ठीक है, और उसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जितने भी हों, अभी ये तो डिसाइड हुआ नहीं है, तो ये मान लो कि ये ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये सैंपल के लिए इसमें सिर्फ मैथ्स होगा। अच्छा, मैं मैथ्स की बात करूं, वैसे आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए सोच लेना। अच्छा, होगा क्या, मैथ्स में डिवीजन होंगे। कैसे डिवीजन होंगे? ओएमआर सीट में जैसे आप देख पा रहे हो, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, फिर 4 ऐसे बबल्स हैं, इसी में डिवीजन होगा। कैसे? क्योंकि क्वेश्चन एसरसन रीजनिंग बेस्ड भी है, उनके एमसीक्यू बनाए जाएंगे। ठीक है, और केस स्टडी बेस्ड है, और केस स्टडी बेस्ड में 5 में 4 करने होते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि ओएमआर सीट में मान लो सेक्शन डिवाइड कर दिए जाए कि भैया 1 से लेके 10 तक जो क्वेश्चन है वो केस स्टडी बेस्ड है, उनमें तुम्हें कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिए जाए कि भैया 10 बॉक्स हैं, उसमें से तुम्हें 9 फिल करने, या मान लो 5 में 4 करने होते हैं। अब इस बार क्या पैटर्न होगा, अभी ये भी नया आया नहीं है, तो अभी मैं ये नहीं बोलूंगा किस पैटर्न पे होगा। हाँ, तो आपको मतलब क्लियरली, यानी ऐसा कर दिया जाएगा कि आपको यहां तक मान लो केस स्टडी है, तो यहाँ पे एक हेडिंग डाल दी जाएगी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, फिर अगर मान लो यहाँ पे एसर्शन रीजनिंग है, तो एसर्शन रीजनिंग, और इस तरीके से प्रॉपर प्रॉपर डिवीजन बना दिए जाएंगे आपकी ओएमआर शीट में, और वहां पे आपको बबल्स को फिल करना होगा। समझ रहे बात को? एक चीज ये, दूसरे छोटी छोटी चीजें क्या होती हैं कि भाई बुकलेट कौन सा, उस बुकलेट में लिखा होगा वो डाल देना, कोड क्या है, क्योंकि पेपर का कोड होता है, जैसे मैथ का 0 41 है, और वहां पे जो पेपर आएगा उसमें कोड डाला है तो वो डाल देना। रोल नंबर, सेंटर अगर कहीं जाता है स्कूल का नाम, तो नहीं होता है ये चीज़ तो नहीं होगी, कुछ और इसमें होगा, लेकिन रोल नंबर होगा तो बहुत ध्यान से फिल करना है यार, ये इसमें गलतियां भी हो जाती हैं, तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से फिल करना। और बिल्कुल फिल कैसे करना है, अगर ये सर्किल है तो बिल्कुल उसके अंदर ना बाहर जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ बता भी रखी है। रीजन इसका ये कि हो सकता है 90% चांस ये है कि आपकी ये डिजिटली चेक होगी, क्योंकि मुझे लगता है कोई टीचर चेक करेंगे, अभी इस बारे में कह नहीं सकते, क्योंकि ज़्यादा डिजिटली चेक होती है ओएमआरसी। ठीक है, कोई ऐसे बैठता नहीं है चेक करने के लिए, तो अगर आप थोड़ी सी भी एरर कर दोगे ना, तो आपको पता नहीं चलेगा, आपका नंबर कट जाएगा। समझ रहे बात को? तो बहुत ध्यान से फिल करना है यार, बहुत रिस्की काम हो जाता है ये वाला। ठीक है, पहले सब कुछ मेहनत अच्छी करी, बाद में बबल गलत फिल कर दिया, हो गया मेहनत बर्बाद, हो गई आपकी मेहनत बर्बाद आपने। ठीक है, फिर जो भी डेट है वो डेट डाल दीजिए, अपना साइन कर दीजिए यहाँ, फिर जब सब कुछ ओके होगी तो आपके जो इनविजिलेटर होंगे, जिनकी ड्यूटी होगी, वो वहां पे साइन कर देंगे और ये ओएमआर सीट आपकी रख ली जाएगी। समझ रहे हो? तो आपको बस ध्यान ये रखना है, आपको इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स क्या हैं। अगर मैं इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स की बात करूं, इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हमारे लिए क्या होंगे, उनको हम समझ लेते हैं। एक तो ये कि सबसे पहले तो देखो, ये पहली बार हो रहा है, सबसे पहले आपकी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ऑब्जर्वेशन, कि आप अच्छे से ओएमआर सीट को देख लो, अच्छे से ओएमआर सीट को देख लो, आपकी बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, बहुत अच्छे से, कि क्या 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 बोला है। जल्दबाजी में ये नहीं कि
बस ओएमआर शीट देखी और आपने तुक्के लगा दी, सॉरी तुक्के नहीं लगाए, आपने क्वेश्चन कर दिए सॉल्व और यहाँ पे लगा दिया, ऐसे नहीं। बहुत अच्छे से देखो उसमें इंस्ट्रक्शन क्या बोली है और उसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कहाँ है और एसर्शन रीजनिंग क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं है पांच में चार करने हैं तो उसके लिए क्या इंस्ट्रक्शन है, बहुत ध्यान से। हालांकि ये चीज पहले बता देंगे, मैं भी आपको सारी चीज गाइड कर दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम की लिंक होगी उसमें ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको पीडीएफ वगैरह मिलती रहेगी, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छे से रखो, दूसरा इंस्ट्रक्शन को बहुत अच्छे से फॉलो करो, यानी कि जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा, ठीक है, इंस्ट्रक्शन को बहुत ध्यान से फॉलो करना, जो क्वेश्चन पेपर मिले उसमें क्या बोला गया, कितने क्वेश्चन से कितने अटेम्प्ट करना, ये सारी चीजें। फिर उसके अकॉर्डिंग ओएमआर शीट देखो, 10-15 मिनट उसको ढंग से देखो, यानी कि 10-15 मिनट मिले तो इसकी शक्ल देख रहे, उसकी शक्ल देख रहे, नहीं शक्ल मत देखना इधर, काम पे ध्यान लगाना, समझ रहे हो। तीसरा पॉइंट, जो सर्कल फिल करना है, ठीक है, बबल्स फिल करने हैं, वो बहुत क्लियरली होने चाहिए, बिल्कुल क्लियर, उसमें कोई बाहर अंदर नहीं होना चाहिए, इस चीज का भी ध्यान रखें बिल्कुल, ठीक है। सारी चीजें ये प्रॉपर अगर आप करेंगे तब जाके आपका पेपर सक्सेसफुल होगा, आप समझ रहे हो बात को। इस चीज को ध्यान में रखें कि आपकी किन किन बातों को ध्यान रखना है, समझ में आया। यानी पहले तो आप पेपर पढ़ो, उसमें इंस्ट्रक्शन देखो, 10 मिनट एक्स्ट्रा दो, कोई दिक्कत नहीं है, और शुरुआत में वैसे ही 15 मिनट आपको मिलते हैं पढ़ने के लिए, सारी चीजें ओएमआर शीट को देख लो, सारी चीजें देखने के बाद ही आप ढंग से इसमें फिल करना, इस चीज का ध्यान रखना, नहीं तो आपके नंबर 100 में 100 आप सोच रहे होगे, आपको पता नहीं चलेगा, 95 या 96 रह जाएंगे आपकी छोटी सी मिस्टेक की वजह से, क्योंकि आप पहली बार ऐसा करेंगे तो यार पहली बार तो गलतियां होती हैं, तो इसकी प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप हो सके तो एक नेट से निकाल के ना प्रिंट आउट, ठीक है, अगर आप लोग निकाल पा रहे तो मुझे बता दो, मैं अपने टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, तुम लोग वहां से डाउनलोड कर लेना, उसकी प्रिंट आउट निकाल लो 10-5, ठीक है। ये भी इसमें डाल देते की पॉइंट्स में, क्या करिए, चौथा पॉइंट मतलब मैं बता देता हूँ, प्रिंट आउट निकाल लो, प्रिंट आउट निकाल लो इस टाइप की सीट की, और घर में बैठ के ना थोड़ी बबल्स को फिल करने की प्रैक्टिस करो, थोड़ी हैबिट रहेगी तो अच्छा रहेगा, ठीक है। बाकी सीबीएसई जैसे अपलोड कुछ करता तो मैं वो लेटेस्ट वाला दे दूंगा, अभी भी आप निकाल सकते हैं। देखो अभी अब कोई कह सर इतनी जल्दी प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल करनी है, जो जितनी जल्दी प्रिपेयर करेगा उतना ही बढ़िया है, जो बंदा जितनी जल्दी सोच लेगा किसी चीज के बारे में उतना ही बढ़िया है, देर करने का क्या फायदा है, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज समझ में आ गई होगी, ये की पॉइंट्स भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट अपडेट के साथ, कुछ आपके लिए अच्छी कंटेंट के साथ, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, बाय बाय टू ऑल। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो, धन्यवाद।